तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको तो तुम्हारे गुस्से पर प्यार आता है। स्मृति ईरानी जी, सुनने में आया कि आप ये जानना चाहती हैं कि मोहब्बत की दुकान क्या है। ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे, ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए, ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे, ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे, ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है, ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है, ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं, ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं, ये कैसी मोहब्बत है। स्मृति ईरानी जी, सुनने में आया कि आप ये जानना चाहती है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान क्या है। आप मोहब्बत का अर्थ समझना चाहती हैं तो मैं जरूर आपको समझा देती हूँ, लेकिन समझाने से पहले ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार से चलती है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अंततोगत्वा नफरत हारती ही हारती है। और क्योंकि अपने नेता से मैंने नफरत का जवाब मोहब्बत से देना सीखा है, तो आपके लिए एक छोटा सा शेर पढ़ रही हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी मोहब्बत क्या है। तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको तो तुम्हारे गुस्से पर प्यार आता है। खैर, अब मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है हिंदुस्तान को एकजुट रखना, मोहब्बत है हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा, हर वेशभूषा, हर संस्कृति का सम्मान करना, मोहब्बत है हिंदुस्तान की विविधता को बनाए रखना, अनेकता में एकता ढूंढना, मोहब्बत है कि जब हमारे देश की बेटियां प्रताड़ित की जाएं तो आंखों पर पट्टी ना बांध लेना, मोहब्बत है कि जब हमारे देश के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स को सड़कों पर घसीटकर पीटा जाए तो पार्लियामेंट से अपनी पिक्चर ट्वीट करके उसके रिप्लाई ना छुपा लेना, मोहब्बत है कि जब भाजपा के बड़े बड़े नेता यौन शोषण और महिलाओं के खिलाफ अपराध में दोषी और आरोपी पाए जाएं तो मुस्तैदी से इस देश की बेटियों के साथ खड़े रहना, सत्ता के लोलुपता में अपना मुंह बंद ना रखना, मोहब्बत है 9 लाख से ऊपर कुपोषित बच्चों को पोषित बनाए रखना, मोहब्बत है देश के गरीबों की थाली पर प्रहार ना करना, उनके आटे और दही पर जीएसटी ना लगा देना, मोहब्बत है कि जब रेल दुर्घटना में 288 लोगों की मौत हो जाए तो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करना, बगले झाककर पीआर ना करना, मोहब्बत है इस देश के प्रजातंत्र को और पुरजोर बनाना और मजबूत बनाना, हर चीज पर जबानी जमा खर्च ना करना, और अंततोगत्वा तो स्मृति जी मोहब्बत गांधी और गोडसे की लड़ाई पे आके थम जाती है। मोहब्बत है गांधी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के साथ खड़े रहना। आप तो खड़ी गोडसे के साथ हैं। एक बार जरूर हमारे नारे में बुलंद आवाज से नारा जोड़िए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। यकीन मानिए, मोहब्बत का अनुभव आपको तभी होगा। और जाते जाते आपको एक बात और कहती हूँ स्मृति जी, इतना नफरत इतना गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि मोहब्बत एक लफ्ज मैंने है जाना, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना। आशा करती हूँ आज से आप भी प्यार और मोहब्बत की बातें करेंगी।